दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्योति'स आइडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं डायपर के बारे में। देखिए, आज की बदलती हुई जीवन शैली और स्पेशली जो पेरेंट्स जॉब करते हैं वो, और घर में भी आजकल सभी लोग जो है बच्चों के लिए डायपर का यूज़ करना सही समझते हैं, क्योंकि उससे बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है और मदर्स का जो है काम भी कम हो जाता है। डायपर जो है स्पेशली आजकल सब लोग सेपरेट रहते हैं, तो मदर के पास घर का भी काम होता है, उसके साथ में बच्चे के कितने सारे लंगोट पजामे हम डेली धोएं, कितनी सारी चीज़ें। तो डायपर जो है एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है मदर्स के लिए, और उससे बच्चे के भी लिए काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि डायपर को हम ऐसे किस तरीके से यूज़ करें जिससे जो है बच्चे को रैश का प्रॉब्लम ना हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, डायपर पहनाना गलत नहीं है, मैंने एक वीडियो और बनाया है इस चीज़ के लिए, लेकिन आप डायपर को किस तरीके से पहनाते हैं, कितना टाइम उसको खुला रखते हैं, कितने टाइम के लिए आप उसको पहना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं। अगर आप सही तरीके से बच्चे को डायपर पहनाएंगे तो यकीन मानिए ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा और ना आपको कोई इशू आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को कितने डायपर डेली हम जो है पहना सकते हैं। देखिए, बजट के अकॉर्डिंग कुछ लोग चूज़ करते हैं कि भाई मैं सिर्फ रात को डायपर पहनाऊंगी और दिन में मैं ऐसे जो है रखूंगी बच्चे को, तो आप रख सकते हैं। लेकिन डायपर दिन में पहनाएं, रात में पहनाएं, जैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बच्चे को डायपर पहनाया और उसने तुरंत जो है पी कर दी, फिर या फिर उसने शुशु पॉटी, बच्चे तो कभी भी कर सकते हैं, आपने सोचा है कि भाई मैं तो एक डायपर रात को ही पहनाऊंगी और उसने रात को पहनाते ही उसी समय पॉटी कर दी, तब आपको उसको फिर चेंज करना पड़ेगा, तो दो हो गए। तो यही हमें देखना है। देखिए, बच्चे का मैं बताती हूँ मॉर्निंग से रूटीन क्या रहता है। मॉर्निंग में बच्चा उठा, उस समय हम बच्चे को मतलब बच्चे का जो है फ्रेश होने का टाइम रहता है। जैसे मेरे बेबी का है तो मैं उसको अर्ली मॉर्निंग अगर थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ, उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है मॉर्निंग में, तो तब आप डायपर पहना के रखते हैं। वो वही डायपर होता है जो नाइट वाला होता है। मैं पूरा सर्कल आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से उसको करेंगे। तो आपको क्या करना है कि बच्चे ने पी कर दी, उसके बाद में आपको बच्चे को फ्री छोड़ना है करीबन 10 से 15 मिनट। आपने बच्चे को अच्छे से वॉश कर दिया, उस जगह को क्लीन कर दिया, अब आप क्या करेंगे, कोई भी मॉइस्चराइजर लोशन लेंगे और जो है, या नारियल का तेल भी आप ले सकते हैं, और बच्चे को जो है 10 मिनट के लिए, अगर आप उसे खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो हम उन्हें खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन जब बच्चे घुटने चलने लग जाते हैं या वो बैठना शुरू कर देते हैं तब हम उनको खुला नहीं छोड़ सकते, तो उनको कोई भी कॉटन का पाजामा आप पहना सकते हैं 10 मिनट के लिए। अब आपको लगे कि भाई अगर इसको हम शूशु की अगर हमने आदत डाली है कि बाथरूम में ले जाके हमें उसको ट्रीट करना है, तो आप करिए, अदरवाइज़ आप उसको वापस डायपर पहना दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डायपर वन से। डायपर वन हमने जो पहनाया वो बच्चे का हम मालिश के टाइम पर पहने रहेगा वही डायपर, और उसके बाद में जब तक हम उसको मतलब नहलाएंगे तब तक वो वही डायपर पहना रहेगा। वन डायपर हो गया। सेकंड बात आती है कि अब हमने उसको नहला दिया है, नहलाने के बाद में हमने उसको वापस से मॉइस्चराइज क्रीम लगाई और उसको हमने पहना के रखा, सेकंड डायपर आपने उसको पहना दिया। इस तरीके से आपका 2 से 3 बजे तक का टाइमिंग निकल जाता है। अब बच्चे को, जो बच्चे सुबह फ्रेश नहीं हुए हैं वो अभी तक हो जाएंगे, अगर फिर भी मतलब फ्री नहीं हुए हैं तो भी आप उसको वापस से 10 से 15 मिनट के लिए आप उसे फ्री छोड़ सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पजामा ना पहनाएं, उसे बिस्तर पे शीट बिछा के और ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, 6 महीने से बाद की अगर हम बात करें, तो आप उनको पजामा पहना सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड आपको क्या करना है कि 10 से 15 मिनट अब हो गए हैं और फिर हम उसको थर्ड डायपर अब हम अपना यूज़ करने वाले हैं, और आप
देखिए, अगर बच्चे को नीचे बैठ के खिला रहे हैं ज़मीन पर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भई आप उसको डायपर पहनाने की जल्दी ना करें। आप 15 मिनट के, आप 30 मिनट भी निकाल सकते हो, आप 1 आवर्स भी निकाल सकते हो, मैं भी निकालती हूँ, 1 आवर्स भी निकाल सकते हो। और उस बीच में आपको सिर्फ क्या करना है कि हर 15 मिनट में बच्चे को जो उसका पाजामा है वो उतार के आपको बाथरूम के लिए उसको लेके जाना है। अगर वो कर लेता है तो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये वापस नींद में सोने जैसा हो रहा है और मुझे इसे सुलाना है, तो आप उसको डायपर पहना के सुला सकते हैं। तो 3 डायपर उसके हो जाते हैं इस तरीके से। अब बात आती है, लेकिन एक चीज़ का हमें, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये कि रात को बच्चा एक लॉन्ग टाइम के लिए डायपर पहनता है, बीच बीच में हम भी उसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप उसको नाइट वाला डायपर पहना रहे हैं तो उसके करीबन आधा एक घंटे पहले बच्चे को आपको डायपर नहीं पहनाना है, आपको उसको फ्री छोड़ना है। अब जैसे मेरा रूटीन है, तो मैं क्या यूज़ करती थी कि मैं बच्चे को जो है सोने से पहले मालिश देने का मैंने एक रूटीन बनाया। तो जितने टाइम में उसकी मालिश करती थी, तो मैं प्लास्टिक का शीट बिछाकर नीचे और फिर मैं उस पर मालिश करती थी, तो आधा घंटा तो ऐसे ही हो जाता था। और उसके आधा घंटा एक बार मैं उसको बाथरूम में ले जाके, या वो उस पर शीट पे कर भी दे तो शीट चेंज करके मैं उसको आधा घंटा और निकालती थी। उसके बाद मैं उसको नाइट वाला डायपर जो है मैं पहनाती थी। तो उससे क्या होता था कि अब रात में एक बार जब हम उसको मतलब दूध पिलाना होता है तो 3-4 बजे करीब उसको जो है हम वापस जो है एक डायपर पहनाते हैं, जो कि हमारा अर्ली मॉर्निंग, 4 बजे भी आप पहना सकते हो नेक्स्ट जो 4th डायपर है, और वो उसको जो है आप 5th डायपर सॉरी, तो वो आप उसको जो है सुबह तक कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कुल मिला के हम अगर कैसे भी, अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम कट करते हैं तो हम 5 डायपर के अंदर भी बच्चे को पूरा दिन सेफ रख सकते हैं। देखिए, डायपर पहनाना इसलिए सही है क्योंकि डायपर एक हाइजीन मेंटेन करता है। आप बच्चे को पजामा पहना रहे हैं, निक्कर पहना रहे हैं, अगर आपसे जल्दी थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई है, जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो हम कपड़ों को उतना अच्छा धूप नहीं दिखा पाते हैं, या तो आप प्रेस करके आप उसको कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश के टाइम में उनको ठीक से नहीं मिला है, मतलब धूप नहीं मिली है, फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए डायपर जो है स्पेशली बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में डायपर बहुत अच्छा काम करता है। और आप मान लीजिए कि मतलब एक जो मतलब स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि आपको 8 से 10 डायपर चाहिए। 8 डायपर आपको, मतलब कि 10 से 12 डायपर आपको चाहिए बच्चे के 6 मंथ होने तक, और 6 मंथ के बाद होने तक आपको चाहिए 8 डायपर पर डे। लेकिन मैं 5 डायपर का मेज़र मान के चलती हूँ, जिसमें बीच की मेहनत हमारी अपनी होती है, हमें बच्चे को फ्री छोड़ना ही होता है। एक चीज़ का अब हम बात करते हैं, ये तो था कि हम किस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं 5 डायपर के अंदर, और ये जो बजट मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बजट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ऐसा तो कौन होगा जो नहीं करना चाहेगा। तो 5 डायपर के अंदर आप जो है अब पूरे दिन बच्चे को रख सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से जो है आप रैश से बचा सकते हो। एक चीज़, डायपर को हर आधा एक घंटे में आपको चेक करना है कि भाई ज़्यादा वेट तो नहीं हुआ, या ज़्यादा सिकुड़ तो नहीं रहा है, या बार बार उसको सही करते रहें। देखिए, आजकल पैंट स्लाइड डायपर चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आप घर में उसको, अगर वो बेड पे लेटा हुआ है तो आप उसको पजामी या कुछ पहनाएं, उससे क्या एयर जो है आती जाती रहती है अगर हम नहीं पहनाते हैं तो ठीक है कि अगर वो बिस्तर पर और नीचे है तो आप उसको पाजामा वगैरह पहना सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको डायपर टाइम टू टाइम चेक करना है, फ्री नहीं हो जाना है आपको डायपर पहनाने के बाद। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि डायपर को टाइम टू टाइम चेक करेंगे। दूसरा, अगर आप बच्चे को न्यू डायपर पहना रहे हैं तो देखिए, आप कोई भी कॉटन का गीला क्लॉथ ले सकते हैं जो जगह को क्लीन करें पहले, न्यू डायपर पहनाने से पहले। नहीं है तो आजकल वाइप्स मार्केट में हैं, बिना अल्कोहल वाली भी हैं, बिना केमिकल वाली भी हैं, आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर और ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे लग कि बच्चे ने काफ़ी टाइम बाद जो है करा है, तो आप जो है उसको बाथरूम में ले जाके और थोड़ा हाथ से गीले से उसको साफ भी कर सकते हैं। अब आपको क्या, आप उसको सूखने दीजिए किसी टॉवल वगैरह या नैपी से, और नैपकिन से आप उसको पोंछ दीजिए। अब उसको आप बहुत अच्छे से सूखने दीजिए। जब वो सूख जाएगा तो आप उसको कोई भी क्रीम, देखिए क्रीम मैंने आपको बताया कि आप उसके प्राइवेट नारियल का तेल सबसे बेस्ट है,
मैं उसकी मालिश करती हूँ अपने बेटे की ऑलिव ऑयल से, तो मैं उसको वही लगाती हूँ। इसके अलावा मेरे पास हिमालय का बॉडी लोशन है जो मैं वहाँ लगाती हूँ उसके। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के 5 मिनट बाद भी आपको उसको खुला रखना है, तो मतलब 10 से 15 मिनट सफिशेंट होते हैं बच्चे को गीला करके वापस सुखाने और क्रीम लगाने के बीच में। तो आपको वो टाइम जो है बच्चे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को बिल्कुल भी खुला टाइम नहीं देंगे, ये डायपर उतारा दूसरा डायपर पहनाया, ये डायपर उतारा दूसरा डायपर पहनाया, तो यकीन मानिए वो बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बच्चे को रैश हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे सॉलिड स्टार्ट करते हैं उनकी जो पॉटी है कभी कभी हार्ड भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, या किसी किसी को लूज मोशन हो जाते हैं कुछ चीज़ खाने के बाद में। तो वहाँ अगर आप फिर भी डायपर पहना रहे हैं या गर्मियों में आप उसको इतना केयर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो जाएंगे इसीलिए। और जब हो जाएगी तब भी तो आपको उसको खुला छोड़ना ही है ना, तो बेहतर होगा। देखिए अब हम कहीं जा रहे हैं या हमारे घर में गेस्ट आए या कोई फंक्शन है तो एक आध दिन चलता है, लेकिन उसको प्लीज़ रूटीन मत बनाइए। बच्चे को जितना हो सके फ्री छोड़िए, खुला छोड़िए उसको, कॉटन के बीच में रखिए, लेकिन उस चीज़ से बचिए कि बच्चा उस कॉटन के पाजामे के अंदर टॉयलेट कर ले। क्योंकि हम कितना भी अच्छा वॉश कर लें, कितना भी अच्छा वॉश कर लें, वो उतनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप बच्चे को 15 मिनट क्या 1 घंटे 2 घंटे भी खुला छोड़ सकते हैं। पहली बात, मैंने आपको डायपर को चेक करना है टाइम टू टाइम। दूसरा, चेंज करने का टाइम भी जो है आपको देखना है। अब वो तो बच्चे के रूटीन से आपको पता चल जाएगी भाई ये कितने टाइम में गीला कर देता है। कोई भी डायपर दुनिया का आप ले लीजिए, बेस्ट एम बेस्ट, महंगे से महंगा, किसी भी कंपनी का, 3 आवर्स से ज़्यादा कोई भी डायपर नहीं चलता है, ये मैं कह सकती हूँ। जो 12 घंटे सोक करने का जो दावा करते हैं वो भी नहीं, 6 गिलास पानी डालकर भी सोक करने का जो दावा करते हैं वो भी नहीं, कोई भी डायपर 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। तो बेटर होगा कि हर 3 घंटे में, हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बच्चे ने दूध कम पिया है या कुछ लिक्विड कम लिया है तो उसने टॉयलेट कम किया, तो आप उसको 3 से 4 घंटे में भी बदल सकते हैं। या जैसे बच्चा सोया हुआ है, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको हल्का सा नीचे खिसका दीजिएगा जिससे वो मतलब जो पार्ट्स है उसको टच ना करें, तब भी आप कर सकते हैं। तो अब भी अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन है अगर मन में, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैंने मेरे बच्चे को शुरू से डायपर पहनाया है और आज दिन तक मुझे कभी रैश का प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके साथ एक रूटीन मेंटेन किया, उसकी नाइट में जब वो सोने से पहले उसकी मालिश का, तब मैं उसके पैरों को, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से मैं उसको मतलब इतना जो है मॉइस्चराइज कर देती हूँ कि उसको जो है डायपर का जो लास्टिक भी है वो भी नहीं लगता है। तो या तो आप वो रूटीन बना सकते हैं बच्चों के साथ में। अगर आप वो नहीं बना पा रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आपका तो जैसे जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं उनका तो मतलब खाने का ही लेट हो जाता है, तो हम कैसे बच्चे के साथ में करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं आप फटाफट से उसके बस ऐसे करके क्रीम या जो भी आप लगाना चाहें आप उसके लगाएं, बिना मॉइस्चराइज़र लगाए उसको डायपर ना पहनाएं, इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों के साथ में डायपर अगर हम पहना रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। टाइम टू टाइम चेंज करना है, टाइम टू टाइम चेक करना है, जब भी डायपर चेंज कर रहे हैं उसके लिए मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर यूज़ करना है, बच्चे को हर एक डायपर बदलने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए खुला छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्योंकि आपका लाइक रहेगा तभी मैं आगे जो है वीडियोस और बना पाऊँगी इस टॉपिक को लेके। मुझे लगा कि बहुत सारी मदर्स के मन में जो है क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मुझे यूज़ करना था तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और
आप प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।